नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है व्रत के लिए। आज हम बनाएंगे शकरकंद की खीर, बहुत ही टेस्टी बनती है। व्रत में आप एक बार बनाएंगे, हर बार व्रत में बनाना चाहेंगे। चलिए बनाते हैं, बहुत ही आसान भी है। इसके लिए हमको चाहिए शकरकंद। ये हमने शकरकंद को बॉयल कर लिया है। इसके लिए हमने लिया है 2 शकरकंद, आधा कप चीनी, 4 काजू, 4 बादाम, 2 इलायची। आप इसमें जो और पसंद करते हो मेवे उनको भी डाल सकते हैं। 1/2 लीटर हम दूध लेंगे, क्योंकि हमने 2 ही शकरकंद ली है। तो 1/2 लीटर दूध में मलाई हम पूरी डाल देंगे दूध की। ये बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार होगी। 1.5 लीटर दूध की मैंने सारी मलाई डाल लिया है। 1/2 लीटर दूध लेकर मलाई के साथ ही ये बहुत ही टेस्टी बनकर खीर तैयार होती है। इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। दूध में उबाल आ गया है, अब हम शकरकंद को डाल देते हैं। आप इसको मैश करके भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही डाल दूंगी, क्योंकि जब हम चलाएंगे तो ये मैश हो जाएगी। ये बहुत ही टेस्टी खीर बनती है, बहुत ही हेल्दी भी होती है, तो आप इसको व्रत में ज़रूर बनाएं। अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। लगातार चलाते हुए इसको हम पका लेते हैं। 10 मिनट में ही तैयार हो जाती है खीर। शकरकंद तो सभी व्रत में खाते हैं, तो आप खीर बनाकर खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हमारी खीर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ रहा है। अगर इसको आप और मिक्स करना चाहें तो और दबा दबा कर मिक्स कर दें। मैं थोड़े टुकड़े रहने दूंगी, तो जब खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छे उबाल आ रहे हैं इसमें। मलाई ऊपर आ चुकी है। गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डालें। इलायची भी हमने कूट कर डाल दिया है। मैं थोड़ा मीठी बनाई हूँ खीर को। काजू और बादाम भी डाल देंगे। आप इसमें मखाने भी डाल सकते हैं, क्योंकि मखाने भी व्रत में खाए जाते हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स खाते हो सभी को डाल सकते हैं। अभी अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। इलायची का जो छिकला है उसको निकाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। खीर अच्छे से पक चुकी है, गैस को बंद कर दिए हैं। इसको ठंडा करके खाएं या गरम गरम, बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार हुई है, मलाईदार है। अब खीर को हम सर्व कर लेते हैं। ये व्रत में खाने के लिए तैयार है। खीर को हमने परोस लिया है। अब इसमें हम कटे हुए मेवे डाल देते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक बार इसको आप व्रत में बनाकर खाएंगे, आपको बहुत ही पसंद आएगी, तो बार बार व्रत में आप बनाना चाहेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।